अच्छा सीमा, आप रील के भी बहुत शौकीन है, गदर के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा बताइए। मेरी आधा से ज्यादा मतलब जो रील है ना इन्हीं गानों पे हैं, गदर मूवी के गानों पे। कौन सा गाना अच्छा लगता है? घर आजा परदेसी। मैं तो बहुत रोती थी इस गाने पे इनके लिए, और सब वीडियो में है। एक आधा लाइन गुनगुनाइए ना, बताइए। गाया नहीं जाएगा, दोनों लोग गाइए ना, इनसे गवा लीजिए, मुझे नहीं गाया जाएगा। तो रील बताइए किस किस गाने में, कौन से गदर मूवी के कौन कौन से गाने पसंद है? गदर के सारे पसंद है मेरी, गदर मूवी के गाने ही बता दीजिए ना कौन कौन से, मुझे नहीं पता। एक तो घर आजा परदेसी, हाँ। वही वाला, एक दूसरा मैं भूल गई। ये जो प्रेम कहानी है उसमें गदर मूवी का बहुत रोल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मुझे मतलब इनसे अच्छा। प्यार होने के बाद गदर अच्छी लगी। अच्छा। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, फिर मैं इनके सारे गाने मेरे पास है, मोबाइल में थी मेरे में। उसमें सकीना थी या फिर सीमा है? सकीना बुलाते थे ना, तो इसलिए इसके दोस्त वगैरह भी सकीना बुलाते थे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद इनके बाद गदर मूवी अच्छी लगती है मुझे, पहले तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। आपने बताया आपने रील भी बनाई है, वो सारी इसी गाने पे है? बहुत सारी, हाँ। इनकी 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 फोटो और अपनी फोटो लगा के जब इनसे मिली तब भी हमने बहुत सारे रील बनाई, वो भी मेरी है आईडी पे। जब हमारी पहली बार शादी हुई तब भी उनकी भी रील है मेरी, सब पड़ी है। मैं सब अभी कर दूंगी अपलोड, मेरे पास फोन ना है, फोन एक दो दिन में मिल जाएगा, पुलिस में है फोन हमारे। जी फोन में रील है बहुत सारे। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है सीमा, कि आपका एक भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है? नहीं, वो तैयारी कर रहे थे मेरे भाई। वाकई मैं झूठ, मैंने सर किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिल में कोई मेल नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, क्योंकि मुझे शुरू से पुलिस वाले ने कहा था कि आप कोई भी झूठ ना, अगर तुम्हें रहना है तुम सच्ची हो तो झूठ इतना भी नहीं बोलोगी, तो मैंने इतना भी झूठ नहीं कहा सर। वो मेरे भाई भी से छोटे हैं तो वो कर रहे थे, आसिफ रजा। अच्छा, आसिफ रजा क्या? वो पुलिस में नहीं फौज में जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि मेरे पापा वहाँ हर किसी को ड्यूटी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती हर किसी को, और मेरे एक ही भैया है, और हम इतने ज्यादा मतलब अमीर फैमिली से नहीं है, तो इसी का। कितने भाई बहन हो आप? चार, तीन बहने हम एक भैया। तीन बहन में से एक भैया? हाँ, गाँव पाकिस्तान में, एक शादीशुदा है एक सिंगल है। अच्छा, जब 10 मार्च को आप यहाँ आ गए उसके बाद कभी बात हुई वहाँ पे घर पे किसी से? नहीं बात हुई। यहाँ मेरे भैया ने एक बार इनको कॉल करी थी कि सीमा मिस है, क्योंकि मेरे दोस्तों को इनका नंबर था, मेरे दोस्तों से ये बात करते थे, वहाँ के एक दो हिंदू हैं सहेली मेरी, उनसे ये बात करते थे, तो उन्होंने उनसे शायद नंबर लिया होगा, तो इनको कॉल करी कि सीमा। इनको कॉल किया था? हाँ। तो क्या बात हुई थी जब इनके भाई का फोन आया था, कब आया था? बस वो ये पता नहीं कब आया था, हाँ जून में तकरीबन आया था, वही दो मिनट ज्यादा तकरीबन इतने मिनट ये पूछ रहे थे कि सीमा आपके पास है, गिला करवाओ गिला, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया मैंने कि भैया मेरे पास तो है नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है, अगर लेकिन थी आपके पास ही। हाँ, आपने इस दौरान कभी बात की है कभी? उसके बाद भैया का फोन आया ना, उसके बाद परिवार तक कभी किसी और ने बात करने की कोशिश? किसी और ने नहीं करी, कोई बहन ने करी थी, वो हम उठाई थी, वो कट रही थी उठाई थी, यानी कि बात हो नहीं पाई थी। कई दो तीन कॉल करी थी उनकी बहन ने, ये पता नहीं, एक बार तो उनकी बहन ही बोल रही थी, इतने में बात हुई तो कट गया फोन, कटने के बाद फिर कॉल आती गई। फिर कभी आपने मतलब जैसे इनके पास तो कॉल आया उस दौरान कभी घर में बताने की कोशिश की कि मैं भारत आ गई? ना, मुझे डर लगता था कि मुझे वापस भारत आकर भी नहीं बताया, फिर भी डर लगता था कि मुझे वापस बुला लेंगे, क्योंकि अभी किसी को पता ना था, हमें पाकिस्तान को पता और पूरे भारत को पता है कि सीमा गुलाम हैदर यहाँ है। अब तो ये वकील की मेहरबानी है, जिस वकील को हमने इनके दोस्त ने कहा था कि अब वकील के पास चलो, बच्चों के स्कूल के कारण अब जुलाई को स्कूल खोल रहे थे, तो मैंने तो परमानेंट यहाँ रहना था ना, मैंने कहा बच्चों का कुछ सोचो, मेरा लड़का बड़ा है थोड़ा और लड़की बड़ी वाली ना, तो इन दोनों का स्कूल जरूरी था, तो वहाँ पढ़ते थे ये लोग, तो इसी कारण हमने वकील से बात करनी चाहिए। हम वकील के पास गए, पहले ये गए, फिर मुझे तैयार करके बुलाया कि आ जाओ कोर्ट मैरिज हो रही है हमारी, तो मैं तैयार होकर गई, उन्होंने मेरे सारे कागज लेकर गए अपने, उनको दिखाए और रिक्वेस्ट उनसे मैंने करी, बहुत रोई मैं उनके आगे कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे इनके साथ शादी करनी है, तो उन्होंने कहा आपकी शादी एक दो दिन में हो जाएगी, आप चले जाओ घर आराम कर लो, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, फिर हम भाग गए, सुबह को हम भाग गए, जैसे हम पता पड़ेंगे पुलिस हमें लेने आ रही है, हम भाग गए, फिर रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ लिया भागते हुए बच्चों के साथ। अच्छा जी, पुलिस ने जब पकड़ा था तो आपसे क्या क्या पूछा था उस दौरान? शुरू में थोड़ा सख्ती से बात की, फिर जब मैं सब सच बोलने लगी, बहुत सारे लोग आए, मुझे तो पता नहीं कौन कौन है, हद से ज्यादा लोग आए, एक ने तो इनको बहुत मारा,
दो तीन थप्पड़ मुझे भी मारे, बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, पूछताछ कर ही सकती से, पर मतलब किसी ने इंसल्ट नहीं करी, सब सच बताया प्रूफ के साथ। मैंने अपने फोन खुद से इनको दे दिए, मैं दो कैसेट ले आई थी अपनी, मतलब तो फिर मतलब सब कुछ मैंने इनको खुद दे दिया कि मेरे बच्चों के फोन थे वो भी मैंने इनको दे दिए, एक टूटा हुआ फोन था इन्होंने कहा लिया हम यहाँ बनाएंगे तो वो भी मैं ले आई, वो भी उनको दे दिया, मेरा प्रोडक्ट थे फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे अब आप लोग दोनों आ गए हैं, अब आगे क्या, जैसे बेल आउट हो गया, बाहर है आप लोग जमानत पे हैं, अब आगे क्या करने की तैयारी? हम कोर्ट मैरिज करेंगे और गंगा नहाऊंगी, मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगी अपने बच्चों के साथ और गंगा नहाऊंगी, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर रही हूँ और यही रहेंगे हमेशा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? यही मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ की नागरिकता दें मुझे, मेरे बच्चों को, और मुझे यहाँ रहने दें सचिन के साथ, सचिन की पत्नी बन के, मैं इनकी पत्नी हूँ और बाकी सिर्फ कागजी है वो हम कर लेंगे, मुझे यहाँ रहने दें, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे खत्म करिए सब। हैदर जो कह रहे हैं वो बातों में फंसा रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर मार रहे हैं, वो सच नहीं कह, मुझे पता है वो किस तरह टाइप का बंदा है, तो ऐसा मत करें सर। कैसे आप लोग के संबंध कैसे थे? सही थे, कभी लड़ते भी थे, मारते भी थे, मैं कई बार रोड के चली जाती थी, फिर मेरे पापा मुझे इनके पास भेजते थे, बहुत मतलब अच्छे, शकी बहुत थे, शक बहुत कर, कई फोन इन्होंने मेरे तोड़े थे और हालात अच्छे नहीं थे, तो ये कमाने चले गए वहाँ, यहाँ रक्षा भी चलाते थे, मार्बल का काम भी करते थे दोनों साथ साथ, फिर बच्चे हो गए तो ये कमाने चले गए थे वहाँ पे, फिर वहीं रह गए। इनकी पहले बच्ची है, दो लड़की है, लड़का है, पत्नी है, और जो मेरी सास है, दो सासें हैं मेरी, ससुर मेरे नकली मतलब सगे नहीं है, इनकी मम्मा जो है वो सगी है, मम्मा ने दूसरी शादी करी इनकी ने, तो ये वो पापा हैं इनके। अब बच्चे भी यही पढ़ाने की तैयारी है? हाँ मैं यहाँ ही पढ़ाऊंगी। बच्चों के नाम बताइए और बच्चों की उम्र बताइए। उम्र फिक्स डेट याद नहीं है, राज जो है वो 6 से 6.5 साल का है, उसके बाद प्रेम का है वो 5 साढ़े 5 की, परी है 3 की और मुनि 2.5 साल की, मतलब ऐसे ही फर्क है, साल साल का फर्क है 12 महीने का। परी हाँ परी से 3 साढ़े 3 की होगी, इस तरह ही फर्क है और फिक्स डेट याद नहीं मुझे। अब आखिरी मैसेज जो आप सरकार से कहना चाहें वो कह दीजिए। मेरा आखिरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे यहाँ रहने दें, मैं सचिन की पत्नी हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ, यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों के साथ, पापा ने और मम्मी ने हमें स्वीकार कर लिया है, अब आप लोग प्लीज़ कि हमें यहाँ रहने दें, मुझे मैं कल परसों हमारा कोर्ट मैरिज हो जाएगा, पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे उसके बाद। सचिन आप बताइए, आपके माता पिता ने सीमा को स्वीकार कर लिया बच्चों के साथ? हाँ जी, बच्चों के साथ हम सबको स्वीकार कर लिया है, मेरे माता पिता ने, बोल रहे हैं कि गंगा जी भी नहवा कर लेकर आएंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे और गंगा जी नहवा कर शादी की भी तैयारी, जितना होगा हम पे इतना करे होंगे, बस ये कहना हमारे घर वालों। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें, बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। देखिए ये सचिन और सीमा हैं, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में, लेकिन लीगल शादी के लिए अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और सचिन का कहना है कि परिवार के जो इनके माता और इनके पिता हैं उन्होंने सीमा को अपना लिया है, अब दोनों यहाँ शादी करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार से अपील है कि दोनों यहाँ पर साथ में रहें और इनको भारत की नागरिकता भी दी जाए। लिहाजा दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस अपनी भी जांच कर रही है, तमाम एंगल्स हैं उस पर, जांच पड़ताल तेज कर दी गई है।